नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है, जैसे आपको खबर सुनोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। आने वाले समय में जो अब फिलहाल चलता है T20 वर्ल्ड कप, यानी कि 20-20 ओवर वाले जो मैच होते हैं, यहाँ तक कि IPL जो होता है ना हर साल, वो आने वाले समय में बंद हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप बंद हो सकते हैं, यानी कि 20 ओवर वाले सभी मुकाबले, सभी मैचेस अब आने वाले समय में हो सकता है नहीं खेले जाएं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो इस पूरी खबर के बारे में तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले क्रिकेट के इतिहास में टेस्ट मुकाबले खेले जाते थे, उसके बाद से वनडे मुकाबले खेले जाने लगे और अब T20 वर्ल्ड कप, T20 लीग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें सबसे लोकप्रिय और सबसे मजेदार जो लीग है वो है IPL, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। और हो सकता है आने वाले समय में IPL बंद हो जाए और T20 के सभी मुकाबले नहीं खेले जाए। डुप्लेसी ने कहा, साल दर साल लीग की ताकत बढ़ रही है और बेशक शुरुआत में भले ही दुनिया भर में सिर्फ 2 लीग थी और अब 6-7 लीग खेली जाती हैं। लीग मजबूत होती जा रही हैं और इनको ताकत मिल रही है। अहम बात तो यह है कि आपको भविष्य में ये देखने के लिए मिल सकता है कि दोनों का अस्तित्व एक साथ कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि भविष्य में ये ऑप्शन हो सकता है और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को खतरा होगा। और दोस्तों, इन दिनों फाफ डुप्लेसिस UAE में है, जहां पर आने वाले समय में PSL खेलेंगे और PSL की तैयारियों में जुटे हुए हैं डुप्लेसिस। दोस्तों, वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डुप्लेसी ने ये सभी बात बोली हैं मीडिया के सामने। तो दोस्तों, आपका मानना क्या है, T20 लीग और IPL आने वाले समय में क्रिकेट के लिए खतरा हो सकता है या फिर क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में देखा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूट्यूब न्यूज 24।